ये सामान है, ये मार्टर सिलेंडर है ब्रेक वाला, ठीक है। 19 mm पिस्टन है इसके अंदर, ये बड़ी बाइक पे भी लगा सकते हैं आप, जिक्सर हायाबूसा वगैरह पे, CBR किसी बाइक पे भी लगा सकते हैं बड़ी पे, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक क्लच है इसका, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, ये देखिए ये मास्टर सिलेंडर है इसका, साथ ये बोतल है, बोतल भी बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं बोतल, और साथ कुछ और चीज़ें इसके, ये पाइप और पतरी वगैरह जो फिटिंग के, इसकी बोतल फिटिंग होनी उसकी है ये, तो चलें आपको फिटिंग करके भी दिखाते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पहले वाला लगा हुआ मार्टर सिलेंडर वो सादे वाला है, ठीक है, और इस साइड पे जो है तार वाला क्लच लगा हुआ, ठीक है। तो ये हम तार निकाल देंगे, तार की जगह पे पाइप लगेगा, जैसे ये ब्रेक का पाइप इस साइड पे लगा हुआ, इसी तरह का पाइप इस साइड पे लगेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक जो क्लच सीन होगा, क्लच हाइड्रोलिक मार्टर सिलेंडर जो होगा वो यहाँ पर फिटिंग होगा इसके साथ। काफ़ी लोगों ने 125 वगैरह पे, GS 150 वगैरह पे लगाए हुए हैं, तो वो भी हम भी वो मंगवा के यहाँ पे लगाएंगे, एलेक्सप्रेस से ऑर्डर कर दिया हमने, तो कुछ दिनों तक आ जाएगा, वो यहाँ पे फिटिंग करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक मार्टर सिलेंडर जो है ब्रेक वाला वो फिटिंग हो चुका है, और इसके अंदर जो है एयर ब्लीड करने के लिए यहाँ पे एक इन्होंने निपल दी हुई है एयर ब्लीड करने के लिए, इसके अंदर बबल निकालने के लिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो निपल है यहाँ पे बोतल लगेगी इसके साथ, जो छोटी बोतल है यहाँ से ऑयल अंदर जाएगा इसके, ठीक है। और नीचे वाला ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाइप लगना है, ये वाला पाइप लगना है यहाँ पे इसके साथ। लेकिन इन्होंने बॉक्स के अंदर पैकिंग में वो इसका जो नट होता है वो नहीं साथ दिया, तो नट हमें कोई कहीं और से लेकर वो लगाना पड़ेगा, या फिर पहले वाला ये जो मास्टर सिलेंडर के साथ लगा हुआ ये लगा के देखते हैं, अगर ये सेम होगा तो यही वाला लगा देंगे। तो इसका जो पहले हमारे मार्टर सिलेंडर के अंदर लगा हुआ था ये नट, ये वाला बोल्ट जो है ये फिटिंग हो आ गया इसमें सेम, तो यही वाला हम इसके अंदर फिटिंग कर देंगे। एक ये वाशर नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ वाशर। ये देख सकते हैं कि ये पाइप जो है वो प्रॉपर तरीके से लग चुका है, ठीक है। ये इसके जो लीवर की एडजस्टमेंट है, तो लूज़ करेंगे तो ये आगे की तरफ जाता रहेगा, ये देखिए, तो टाइट करेंगे जितना ये पीछे आता जाएगा। ये जहाँ पे रखना चाहें आप वहाँ पे इसकी सेटिंग बना सकते हैं। अब इसके साथ बोतल लगाते हैं और इसके बाद ब्रेक चालू करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है इसमें। बटन बंद कर दो,
Thank you.
तो ब्रेक वाली साइड का आप देख सकते हैं कि फिटिंग हो चुका है, पाइप शाइप वगैरह जो है फिटिंग कर दी है। अब इस साइड का भी लगाते हैं हम, ठीक है, उसके बाद फिर इसकी ब्रेक चालू करेंगे। देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, इसकी बोतल भी बहुत खूबसूरत है, फिटिंग भी उन्होंने बहुत शानदार दी हुई है, पेंट भी अच्छा हुआ, पाउडर कोटिंग हुआ हुआ इसके ऊपर, ठीक है, लीवर भी प्यारा है। तो देख सकते हैं आप, फिटिंग हो चुके हैं दोनों मास्टर सिलेंडर और बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है इनकी, ठीक है, ये ब्रेक वाला और ये क्लच वाला, लेकिन इनके साथ जो है ना ना क्लच बटन है और ना ही ब्रेक वाला बटन है, ठीक है, ब्रेक स्विच भी नहीं है और क्लच स्विच भी नहीं है इसके साथ, तो उसका कोई और से जुगाड़, अलग से कोई जुगाड़ सोचना पड़ेगा कैसे इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक गियर शिफ्टर था ये भी फिटिंग हो चुका है, ठीक है, अभी इसके कनेक्शन फंक्शन करने वाले रह गए, बस ऊपर बटन इसके लगने हैं, उनकी सेटिंग बनानी है, यहाँ पे बटन लगेंगे, एक बटन यहाँ पे इस जगह पे लगेगा और एक बटन यहाँ पे नीचे लगेगा, ताकि जब ऐसे बैठेंगे तो इस तरह से गियर डलेगा यहाँ से और नीचे से जो गियर निकलेगा।